नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक की डिडो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज हम देखेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे कि मकान का जब काम करते हैं और छत ढलाई से पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कंड्यूट पाइपिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सा पाइप यूज़ करें, किस टाइप का जंक्शन बॉक्स, डिप जंक्शन बॉक्स किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालना है, इस सभी के बारे में हम एक बेसिक ओवरव्यू लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक जो है एक मकान का काम चल रहा है। उस मकान में देखें आप कि अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए कंड्यूट पाइपिंग का काम चल रहा है। पूरे पाइप पड़े हुए हैं, पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिशियंस अपने काम में व्यस्त हैं। और यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो प्रॉपर एक मैप के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू काम करते हैं, या हमारी एक्चुअल नीड कहाँ पे क्या है, क्या क्या हमको कहाँ पे फ़ैन लगाना है, कहाँ पे लाइट लगवाना है, कहाँ पे स्विच बोर्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्री प्लानिंग एक मैप के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, या हम उसको बोल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें मटेरियल क्या क्या हमने यूज़ किया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ पाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। फिलहाल पाइप है, कंड्यूट पाइप इसको बोलते हैं, डिप जंक्शन बॉक्स और आपका फैन बॉक्स, और साथ में कुछ बैंड्स जो कि डाउन करने के लिए पाइपिंग के जंक्शंस को। तो यहां पे देखें, ये पाइपिंग का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियंस, और जो पाइप हमने यूज़ किया है वो क्राउन कंपनी का यूज़ किया है। क्राउन कंपनी का हमने, इसमें से कंपनी कई सारी आती हैं, सब अपने अपने स्तर पे अपना अपना पाइप बनाती है, लेकिन क्राउन का हमने यहाँ पे टेस्ट किया था थोड़ा सा, कि ये थोड़ा हार्ड रहता है। हार्ड रहने का इसका ये है कि ये इस पर जब बेट आएगा, जब स्लैब काम होगा, जो लेबर रहेगी जो छत ढलाई काम करेगी, उस टाइम पर ये क्या है, पिचके ना मीन्स प्रेस ना हो। यदि प्रेस हो गया और उस पर कुछ बेट आ गया तो वो प्रेस होकर जाएगा, उस पर वायरिंग करने में हमको दिक्कत आती है। तो इस सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि हार्ड रहता है, ये पिचकता नहीं है, डायरेक्ट फूटता है। यदि डायरेक्ट फूट गया, क्रैक हो गया या टूट गया तो क्या उस टाइम इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमको बाद में नहीं आती। तो ये हमने सभी क्राउन के पाइप यूज़ किए हैं। फैन बॉक्स भी हार्ड होना चाहिए, और डिप जंक्शन जंक्शन बॉक्स है वो भी थोड़े अच्छे होना चाहिए आपको। तो ये आपको मटेरियल लगता है, ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये अभी काम करेंगे, आपको बताएंगे। कुछ तो काम हो गया अलग अलग हुआ, और कुछ बचा हुआ है उसको हम आपको बता देते हैं किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किस तरीके मेजरमेंट कर रहे हैं, वो पूरा आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेटरिंग का काम हो गया था। सेटरिंग काम के बाद 10 mm की रॉड जो सरिया डालते हैं वो भी पूरा काम हो गया था। अब बचा था इलेक्ट्रिशियंस काम। तो इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे अपने काम में व्यस्त हैं, और इलेक्ट्रिशियन देखें आप यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर रूम में या हॉल में फैन बॉक्स कहाँ पे लगाना है, डिप जंक्शन बॉक्स कहाँ पे लगाना है, और जो बैंड ड्रॉप करते हैं वॉल के सारे वो किस जगह पर ड्रॉप करना है, इसका पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हम बता देते हैं कि भाई यहाँ जब पे हमको नीड है, एक्चुअल नीड, उसके नीड के अकॉर्डिंग या ड्राइंग या मैप के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मेजरमेंट कर रहे हैं अपना फैन बॉक्स रखने के लिए, कहाँ पर फैन बॉक्स रखना है। ये डिप जंक्शन बॉक्स, ये फैन बॉक्स आप देख सकते हैं, और ये सभी कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हैं, ताकि जब अंडरग्राउंड वायरिंग की जाए तो प्रॉपर वायरिंग हो सके, और प्रॉपर हमको यहाँ पर नीड है उसके अकॉर्डिंग हमको पॉइंट मिल सके। तो ये पूरा इन्हें मेजरमेंट कर लिया इलेक्ट्रिशियंस ने, और ये अपना काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ सब एक इन लाइन में रहना चाहिए, प्रॉपर रूटिंग इसकी होना चाहिए जब आप काम करवाएं तब। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दिया, और अननेसेसरी भी पॉइंट नहीं लेना चाहिए, जो एक्चुअल नीड है वही लगाना चाहिए, ताकि फालतू वेस्टेज ना हो हमारा। और जब आप प्रॉपर कंड्यूट पाइपिंग कराएं तो उस समय आपको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो फैन बॉक्स है, डिप जंक्शन बॉक्स है, और जो पाइप हैं ये एक प्रॉपर कनेक्टेड हों एक दूसरे से, और प्रॉपर टैपिंग होना चाहिए ताकि निकले ना, और निकले ना साथ में इसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल मीन्स सेंट, कॉन्क्रीट, गिट्टी जो भी है वो आपकी इसमें चौक ना करे जब छत की काम हो, छत ढलाई हो। और दूसरा बात इसमें ये ध्यान देना चाहिए आपको कि छत ढलाई समय डिप जंक्शन बॉक्स, फैन बॉक्स के नीचे आपको एक थर्मोकॉल या कार्टून पोस्ट रहते हैं, उनको रख देना चाहिए, थर्मोकॉल टुकड़े, ताकि उस जगह पे मसाला ना आए, जो मटेरियल रहता है वो ना आए, ताकि हमको डायरेक्टली पॉइंट वहाँ पे नीचे से ओपन हो जाए जब सेंटरिंग ओपन होती तब। तो इस तरीके से ये सब बातों का आपको वैसे ध्यान देना चाहिए जब आपका छत का काम हो, छत ढलाई का, स्लैब ढलाई का। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो अभी इलेक्ट्रिशियंस पूरा काम फिनिश करेंगे, इसके बाद में छत ढलाई स्लैब जो बोलते हैं छत का काम होगा बाद में। और इन्होंने क्या किया है कि इनको 2 दिन लग गए करीब, क्योंकि छत थोड़ा बड़ा था, तो प्रॉपर
हमने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और एक अकॉर्डिंग टू हमारी नीड क्या थी उसके अकॉर्डिंग काम कराया है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर पाइपिंग की कटिंग कर रहे हैं। डिप जंक्शन बॉक्स जो रखा है इनके सामने, उसमें डिप जंक्शन बॉक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए भी पाइपिंग कर रहे हैं ये। डिप जंक्शन बॉक्स क्या कहते हैं, जैसे एक बीच में फैन बॉक्स हो गया और उसके अकॉर्डिंग चारों ओर आप चार लाइट दे सकते हैं डेकोरेट करने के लिए अंदर रूम में, 3 वाट 5 वाट कोई भी लगा सकते हैं कम वाटेज की, लेकिन वो एक अट्रैक्टिव लुक आता है। तो ये भी प्रॉपर एक सीक्वेंस में प्लस प्रॉपर एक डिस्टेंस पे मेजरमेंट करके लगाई जाती है ताकि लगे कि एक प्रोफेशनली काम हुआ है। वैसे नहीं, आप कहीं भी कुछ भी रख दो, ये भी विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें, और प्रॉपर सर्किट आपका हो, प्रॉपर वायरिंग हो पाए इसके लिए भी विशेष इसमें ध्यान देना आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अच्छा दूसरा इसमें हम बता दें आपको कि जो पाइपिंग होती है करते हैं कंक्रीट पाइप, उनको प्रॉपर जो सरिया रहता है उस सरिया के नीचे से लेना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो उतना, और नहीं हो पा रहा तो उनको प्रॉपर बांध देना चाहिए बाइंडिंग वायर्स के द्वारा, ताकि ये जब देखो यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रिशियन से प्रॉपर पाइप जो ले जा रहे हैं वो सरिया के नीचे से ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्रेन उठी हुई थी, ये इस क्रेन के नीचे से ले जा रहे हैं ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। जब जो लेबर आती है, वर्कर आते हैं स्लैब डालने के लिए छत की ढलाई करते समय, वो क्या इस पर हाथ ट्रॉली चलाते हैं, हाथ ट्रॉली चलाते हैं तो स्पीड से भागते हैं वो, तो क्या पाइप टूट भी सकते हैं आपके, प्लस निकल सकते हैं। तो उस टाइम भी आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट खड़े रहना है, इलेक्ट्रिशियंस को भी रहना है ताकि वो देख सके, प्रॉपर वाच कर सके कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो गया है, कोई पाइप ओपन तो नहीं हो गया है। तो ये सब विशेष आपको ध्यान देना होता है। तो इससे आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा, गाइडलाइंस मिलेगी कि किस तरीके से छत की ढलाई होती है उस समय इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, कंड्यूट पाइपिंग या इलेक्ट्रिकल वायर पाइप बोलेंगे, पाइपिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उसका पूरा प्रॉपर प्लान के माध्यम से उनको बिठाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी कुछ पाइपिंग हो गई है, ये बीच में फैन बॉक्स लगा है, इसके बाद में डिप जंक्शन लगे हैं चारों, तो बाकी का कुछ काम रहा है तो वो अभी कंप्लीट इस यहाँ पे अभी ये करेंगे, इसके बाद फिर छत ढलाई का काम आगे किया जाएगा। तो ये सब कुछ है इसमें, जब आप वायरिंग कराओ तो उससे पहले अंडरग्राउंड पाइपिंग आपको स्लैब में डलाना ज़रूरी होता है, तो ये सारा आपको ध्यान देना विशेष रहता है कि प्रॉपर पाइप उन्होंने बांधी हो, या फिर देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन जो काम कर रहे हैं वो डाई से जो है वायर जो 10 mm का सरिया है उसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, क्रेन उठा रहे हैं ताकि पाइप अंदर से निकल के प्रॉपर बैठ सके, प्रॉपर फिट हो सके। तो उसके लिए भी आपको ये देना है, विशेष ध्यान देना है कि सभी पाइप ऊपर ही न रहें, पता चला कि आपका कहीं से कहीं हो जाए, मेजरमेंट आपने किया बट जब वो स्लैब ढलाई काम हो तो वो आपका ये अपनी जगह से हटे ना और प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ये इस तरीके से देखें, इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं, पूरा पाइप जो है जो सरिया है उसके अंदर से डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रॉपर फिट रहे। और इसके बाद भी हमने इनसे बोला है ये क्या, वैसे तो ये खुद ही प्रॉपर बाइंडिंग वायर से भी इनको बांध देंगे पाइप को, प्लस डिप जंक्शन बॉक्स और फैन बॉक्स जो है उनके नीचे भी थर्मोकॉल्स के कुछ टुकड़े फंसाएंगे, और या जो कार्टून के पोस्टर्स रहते हैं जो पैकिंग का सामान आता है उसके भी पोस्टर इनके नीचे रख सकते हैं ताकि छत ढलाई के समय उसके अंदर डिप जंक्शन बॉक्स और जो फैन बॉक्स उसमें मसाला जो रहता है, मटेरियल रहता है वो ना फिल हो, और जब ओपन करे सेटरिंग ओपन हो तो वो प्रॉपरली अपनी लोकेशंस पे निकल आए, तो उसके लिए भी विशेष ध्यान देना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रॉपर पाइपिंग की जाती है, कंड्यूट पाइप इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने से पहले ताकि इसमें से वायर प्रॉपर निकल सके। और यहाँ पे देखें आप साइड के पीछे एक इन्होंने बैंड डाउन कर रखा है, ड्रॉप कर रखा है, वो वहाँ से आपकी जो वायरिंग है सर्किट्स है वो नीचे जाते हैं दीवार पे जहाँ पे आप स्विच बोर्ड लगाते हैं, वहाँ से इसको पूरा ऑपरेट करते हैं। तो ये सब काम पहले ही होता है, यदि आपने छत डला दिया है, स्लैब डलवा दी है और बाद में आप बोलेंगे अंडरग्राउंड पाइपिंग की, तो वो अंडरग्राउंड वायरिंग की तो वो नहीं हो पाएगी, फिर ओपनली वायरिंग आपकी हो पाती है। तो इसलिए आप विशेष करके 1 से 2 दिन इलेक्ट्रिशियंस को दें आराम से, और उसको प्रॉपर समझ दें, उसको ड्राइंग दे दें, और आप भी इस ड्राइंग को आपके पास रख लें या प्रॉपर इसका वीडियो क्लिप बना लें या फोटो आप खींच लें, ताकि जब आप वायरिंग करेंगे या आपको कोई ढलाई के बाद सेटरिंग करेंगे, कोई आपको डिप जंक्शन बॉक्स ना देखे, फैन बॉक्स ना देखे, तो आप उस ड्राइंग के द्वारा या इमेज के द्वारा या फिर वीडियो क्लिप के द्वारा प्रॉपरली उसको देख सकें, और बाद में जब वायरिंग की जाएगी इन पाइपों के माध्यम से तो उसमें आपको कोई किस पर कोई दिक्कत ना आए। इन चीज़ों को आप पहले ही रख लें
इनके फोटो खींच के, या आपका इलेक्ट्रिशियन जो है उसको तो पूरा प्रॉपर पता ही रहता है, वो पूरा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ही काम करता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी आप ये प्रिकॉशंस पहले बरत लें, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कंड्यूट पाइपिंग की जाती है छत ढलाई से पहले, और आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा ताकि आप जब भी आपको कहीं काम हो तो आप देख के एक अनुभव लगा सकें, बेसिक नॉलेज लगा सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इस पर अगर अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब करें हमारे अशोक हीटर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों मिलते हैं इस पर अगली एक और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।